बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को पढ़ रहे हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल्स का टॉपिक हम देख चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स होते क्या है, उनको फाइंड कैसे किया जाता है, उनके थ्योरम्स कैसे हैं, उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको काफ़ी कुछ पता चल चुका होगा डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। अब हम उसकी एप्लीकेशन पे आते हैं कि कहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है Applications of definite integrals. अच्छा, क्या applications हैं जी, कहाँ पर use होता है? Applications का मतलब है कि कहाँ पर हम use करते हैं definite integrals को। ठीक है, तो suppose जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि किसी भी irregular shape का, यानी कि उसके बाउंडेड रीजन में जो भी एरिया बनता है वो फाइंड करना हो, एरिया फाइंड करना हो, तो हम जो है इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। एग्जांपल है जी कि आपने एरिया, बाउंडेड रीजन में एरिया फाइंड करना है, या फिर हम कह सकते हैं फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कोई ना कोई, हमें ग्राफ गिवन होगा फंक्शन, यानी कि ग्राफ तो नहीं गिवन होगा, हमें ग्राफ का फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, तो बाउंडेड बाय द कर्व, और कर्व है y इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कर्व है, ठीक है, फंक्शन है जिसका हमने बाउंडेड रीजन में एरिया फाइंड करना है, या एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व वो हमने फाइंड करना है। और एक तो ये है कि इस कर्व से बाउंड होगा वो एरिया, उसके अलावा एक्स एक्सिस से। ठीक है, द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस, एंड द एक्स एक्सिस, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि एरिया अबव द एक्स एक्सिस हो या बिलो द एक्स एक्सिस हो, और यानी कि एक्स एक्सिस और कर्व के बाउंड्री के दरमियान जो भी रीजन बनता है उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं इंटेग्रल्स को यूज करते हुए, डेफिनेट इंटेग्रल्स को यूज करते हुए। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये ग्राफ बनता कैसा है इसका। ठीक है, एरिया कौन सा बन रहा है इसमें, कौन सा एरिया हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक्स वाई एक्सिस में हम जो है ग्राफ बना लेते हैं इसका। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं, स्केच कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस और ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स भी ले लेते हैं, मतलब कि ये 1 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 3, 4, इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इससे अबव भी हो सकता है 5, सपोज ये 5 है, इसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी -1, -2, -3, -4, -5, और नीचे भी हम ले लेते हैं -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, तो ये यानी कि ये आप ग्राफ पेपर पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, उससे आपके पास एक अच्छा ग्राफ, एक अच्छी शेप में यानी कि आपके सामने आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको स्केच करने की ट्राई करते हैं कि वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम स्केच करने जा रहे हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो पॉइंट्स हमने ड्रॉ करने हैं, यानी कि पॉइंट्स हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे, यानी कि x के हम पुट करते जाएंगे वैल्यूज। सपोज y 0 पुट करते हैं, क्या y की वैल्यू क्या आती है, फिर y को 0 पुट करते हैं, x की क्या वैल्यू आती है, इस तरह से हमारे पास इंटरसेप्ट्स आते जाएंगे। ठीक है, दो इंटरसेप्ट पहले देख लेते हैं कि ये x को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है और y पे कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, तो x के लिए हम करते हैं कि y को 0 पुट करते हैं, y को जब मैं 0 पुट करूँगा तो इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और फिर x फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2 आ जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू +2 यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट है, और x = -2 यहाँ पर पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स तो आगे जो कि ग्राफ इससे पास करेगा। उसके अलावा y पे कहाँ पर कट करता है ये ग्राफ। ठीक है, y पे हम चेक कर लेते हैं, y के लिए हम क्या करेंगे कि x को 0 पुट करेंगे। चले x को 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू
4 माइनस 0 हो जाएगा, मतलब कि y इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर 5 4 कहाँ पर है, 1 2 3 4, यहाँ पर आकर y जो है वो 4 होगा. उसके अलावा भी आप पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज ये है x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है. x इज इक्वल टू जब माइनस 1 है तो y की वैल्यू क्या है, उसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं. एट x इज इक्वल टू माइनस 1, एट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो हम इसमें पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का जो स्क्वायर लिया जाए या पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है. 4 माइनस 1 इज 3, यानी कि y इज इक्वल टू 3 आ जाता है. कब, जब एट x इज इक्वल टू माइनस 1. तो पॉइंट क्या बनता है, माइनस 1 कॉमा 3, ठीक है. यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 हो और y की वैल्यू 3 होगी. तो ये है x इज इक्वल टू माइनस 1 और y की वैल्यू 3 कहाँ पर है, 1 2 3, ये यहाँ पर करके ये पॉइंट बनेगा माइनस 1 3. इसी तरह से हम देख लेते हैं कि एट x इक्वल टू 1, यहाँ पर यानी कि x जब 1 है तो y की क्या वैल्यू आएगी. एट x इज इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 y में पुट कर देते हैं, यानी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर, सेम आ जाएगी 3, y इज इक्वल टू 3. मतलब कि पॉइंट क्या बना हमारे पास, 1, 3, ठीक है. तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर x 1 है और 3 y इधर है, y की वैल्यू 3 यहाँ पर है. तो इसको अब हम यानी कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करके देखते हैं हमारे पास ग्राफ किस तरह का बनता है. सपोज ये इस तरह से इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो कुछ ऐसी शेप बन जाती है, ठीक है. तो ये हमारे पास सपोज के ग्राफ बन. अब हमने यानी कि एरिया कौन सा फाइंड करना है ये हम अब देखते हैं. एरिया में कहा गया था कि आपने एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. ये कर्व जो कि हमने ये कर्व ड्रॉ कर लिए, ठीक है, स्केच कर लिए, उसके बाद एंड द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस और इस कर्व के दरमियान में जो रीजन बाउंड हो रहा है उसका एरिया फाइंड करना है. मतलब जो मैं आप शेड करने जा रहा हूँ ये रीजन बनता है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है. चलिए मैं इसको अच्छी तरह से शेड कर देता हूँ ताकि वाजे हो जाए. तो ये एरिया रीजन बनता है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है. तो ये कोई एक रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है. अगर तो ये स्ट्रेट लाइन होती चले फिर तो ट्राइंगल हम इसे कह सकते थे, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं, ठीक है. तो ये पैराबोला आप इसे कह सकते हैं. अभी तक आपने पैराबोलास नहीं पढ़े हुए थे, चले उसका मैं नाम भी अभी यूज नहीं करता. तो एक ये इररेगुलर शेप है, ठीक है. तो अब हमने इसका जो है एरिया कैसे फाइंड करेंगे. एरिया हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी इररेगुलर शेप की आपने जो है बाउंडेड रीजन में, यानी कि एक्स एक्सिस और उस इररेगुलर शेप का जो बाउंडेड रीजन हो उसका आपने एरिया फाइंड करना हो तो आप इंटीग्रेशन यूज करते हैं. और इंटीग्रेट किसको करते हैं, जो ग्राफ है आपके पास, जो ग्राफ का यानी कि ग्राफ का फंक्शन आपको गिवन है, y इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर इस केस में है, ठीक है. तो ये आपके पास फंक्शन है 4 माइनस x स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे. और दूसरी बात ये कि आपने उस पर लिमिट्स भी लगा दी. अब आप ग्राफ से देखकर लिमिट्स लगा सकते हैं. देखें ग्राफ में कहाँ पर कहाँ से x स्टार्ट हो रहा है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, एरिया जो बाउंड हो रहा है रीजन, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे क्या है, माइनस 2 है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, वो 2 है. मतलब कि माइनस 2 से लेकर 2 तक जो है वो आपके पास लिमिट आ जाएगी. और इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर देना आपने किसको, इस फंक्शन को, ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने इंटीग्रेट कर देना है और लिमिट आपने पुट कर देनी है माइनस 2 से 2 तक. साथ में dx भी लिख देता हूँ क्योंकि हमने इसको विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है. अच्छा अब ये बात तो समझ आ गई, अब इसको हम इंटीग्रेट करके देखते हैं इसका क्या आता है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आती है एरिया की. चलें इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वो तो सिंपल सा फंक्शन है. इसको हम पहले तो सेपरेट लिख लेंगे, ठीक है, 4 को लहदा लिख लेते हैं, माइनस 2 से 2 लिमिट, और उसके बाद माइनस है, और फिर एक्स स्क्वायर को हम लहदा से इंटीग्रेट करेंगे माइनस 2 से 2 तक. अच्छा अब 4 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 4x, और उस पर लिमिट क्या है, माइनस 2 से 2 माइनस, उसके बाद एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 और लिमिट माइनस 2 से 2. अच्छा अब हम लिमिट्स पुट करेंगे जैसे पहले पुट करते आए हैं, ठीक है, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
तो 4 इंटू अपर लिमिट माइनस 4 इंटू लोअर लिमिट क्या है, माइनस 2 है। इसी तरह से सेकंड वन, इसके लिए मैं ब्रैकेट्स डाल देता हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है, तो जब भी नेगेटिव साइन बाहर हो तो आप ब्रैकेट्स डाल दिया करें ताकि साइन में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एक्स क्यूब की जगह आप आ जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, अपर लिमिट मैंने पुट कर दी माइनस, अब लोअर लिमिट मैं पुट करूँगा माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यानी कि मैंने लिमिट्स पुट कर दी हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है, 4 टू ज़ा 8 और प्लस 8 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस साइन और 2 का क्यूब इज 8, 8 बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस प्लस, बल्कि ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में आएगा 32 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, ये हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है, ठीक है। तो मतलब कि हमने क्या रीजन, कौन सा रीजन था, ये रीजन था जो कि बाउंड हो रहा है किससे, एक हमारे ग्राफ से, ठीक है। जो हमें फंक्शन गिवन है ग्राफ का, उसको हमने स्केच किया, वहाँ से देखा हमारा ग्राफ क्या है, ठीक है। तो इस कर्व से जो रीजन बाउंड हो रहा है और एक्स एक्सिस से अबव जो रीजन बन रहा है, वो उसका एरिया हमें फाइंड करना था, और वो हमने कैसे फाइंड किया, इंटीग्रेशन के जरिए, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल के जरिए। डेफिनेट इंटीग्रल क्या मतलब कि हमने वहां पर लिमिट्स भी अप्लाई की, लिमिट्स कहाँ से देखे, हमने ग्राफ स्केच करके देखा कि एरिया हमारा कहाँ से कहाँ तक बाउंड हो रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिहाज से। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक बाउंड हो रहा है, माइनस 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो हमने माइनस 2 लोअर लिमिट रखी और पॉजिटिव 2 जो है वो हमने अपर लिमिट रखी। तो ये था हमारा यानी कि एप्लीकेशन है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, कि हम कोई भी हो हमारे पास इरेगुलर शेप, ठीक है, और एक्स एक्सिस और उस शेप से हम जो भी रीजन बाउंड हो रहा हो उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कोई और फंक्शन लेते हैं, उसका बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंट मैं लेता हूँ कि सपोज हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास एक फंक्शन है और एक कर्व बनती है इससे, ठीक है। तो हमने एरिया फाइंड करना है इससे जो रीजन बाउंड हो रहा है और x एक्सिस से, ठीक है। फाइंड द एरिया, हम चले इसका क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x एक्सिस, मतलब x एक्सिस और इस कर्व के दरमियान जो भी एरिया बाउंड होता है उसका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो मैं एक्स वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इस पे हम पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट्स सपोज ये 1 है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और इस तरह से ये 4 हो जाएगा। इस तरह से लेफ्ट साइड पे 1 बल्कि नेगेटिव 1, माइनस 2, माइनस 3 एंड माइनस 4, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी इसी तरह से पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद नेगेटिव पे भी हम वाई एक्सिस पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी स्केच करना है तो हमें ये पॉइंट्स चाहिए होंगे। अच्छा, जो हमें गिवन है इक्वेशन या हमें कह लें कि कर्व का जो फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे कि कहाँ कहाँ पर इसके पॉइंट्स आते हैं, उनको एंड में हम ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे कर्व की शेप किस तरह की है, ठीक है। जब हमें शेप पता चल जाएगी तो फिर हम उसके साथ देख लेंगे कि x एक्सिस के साथ उसका रीजन कौन सा बाउंड होता है। तो चलें वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि x पे कहाँ कहाँ पर ये जो कर्व है वो कट करती है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, एट y इज इक्वल टू 0। जब y को इक्वल 0 पुट किया तो हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 0।
अब यहाँ से क्या पता चलता है कि या तो x इज इक्वल टू जीरो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, आइदर x इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से चले x इज इक्वल टू जीरो हमारे पास आ गया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। जब x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू, क्योंकि स्क्वायर रूट हम लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास तीन पॉइंट्स आ जाते हैं इस तरह से, एक यानी कि इन तीनों पॉइंट्स के साथ ये x की वैल्यूज है, ठीक है, इसके साथ y की वैल्यू क्या है, जीरो है। मतलब एक पॉइंट क्या बनता है, एक पॉइंट बनता है जीरो कॉमा जीरो, मतलब कि x जब जीरो है तो y भी जीरो है। दूसरा पॉइंट बनता है जब x क्या है, पॉजिटिव टू है तो y जीरो है। और थर्ड पॉइंट क्या बनता है, जब x माइनस टू है तो y जीरो है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास तीन आते हैं, इनको हम यहाँ पर भी मतलब पॉइंट आउट कर देते हैं कहाँ कहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। एक तो जीरो कॉमा जीरो, तो ये पॉइंट है, ठीक है, जीरो कॉमा जीरो। उसके अलावा टू कॉमा जीरो कहाँ पर है, जहाँ पर x टू है और y जीरो है, ये एक पॉइंट हो गया। और थर्ड वन माइनस टू जीरो, ये माइनस टू जीरो पॉइंट आ जाता है, मतलब कि तीनों जो है x एक्सिस पे लाइक कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इन तीनों पॉइंट से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी चेक करना है कि जब x जीरो है तो y की वैल्यू क्या होगी, या फिर चले x अगर हम जीरो पुट करते हैं तो ये तो y भी जीरो आ जाता है, मतलब यही पॉइंट आ जाता है वापस हमारे पास। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई पॉइंट, सपोज ये मैं पॉइंट पुट करता था x का, तो y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। चले हम ऐसे ही करते हैं कि हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू माइनस वन और y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस वन इंटू माइनस वन का स्क्वायर इज वन माइनस फोर, और ये बन जाएगा माइनस थ्री इंटू माइनस वन इज थ्री, मतलब कि वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से थ्री आ जाती है, पॉजिटिव थ्री। तो यानी कि जब एक्स क्या है, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस वन कॉमा थ्री, ये पॉइंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ पर आता है कि माइनस वन है और यहाँ पर वाई थ्री है, तो ये पॉइंट बनता है। उसके अलावा अब इस पॉइंट पे भी हम चेक कर लेते हैं कि वाई की वैल्यू क्या बनती है, ताकि हमें शेप पता चल जाए हमारे ग्राफ की क्या है, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू वन, इस पॉइंट पे वन है ना एक्स, तो हम चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू वन हमारे पास वाई की क्या वैल्यू आती है। चलिए पुट करके देखते हैं, वाई इज इक्वल टू वन इंटू वन का स्क्वायर माइनस फोर, ये इक्वल आता है थ्री के, ठीक है, पॉजिटिव थ्री, ये भी पॉजिटिव थ्री है, वो भी पॉजिटिव थ्री है, बल्कि ये आता है नेगेटिव थ्री, वन का स्क्वायर इज वन, ये पॉजिटिव है, वन में से फोर माइनस करेंगे तो नेगेटिव थ्री आएगा, और वन पॉजिटिव वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव थ्री रहेगा, मतलब कि हमारे पास पॉइंट यहाँ करके बनता है, ये पॉइंट बनता है। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ इसके, तो एक्स क्या है वन और वाई क्या है माइनस थ्री, ये हमारे पास पॉइंट बनता है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इन पॉइंट्स को देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास शेप बन रही है। सपोज मैं इस पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करता हूँ और फिर ये कर्व वापस आती है, ठीक है, और ये कर्व नेगेटिव साइड में चली जाती है और इस पॉइंट को टच करते हुए दोबारा से ऊपर को आती है, मतलब कि इस तरह की हमारे पास एक शेप बन रही है इस कर्व की। अब इसमें हमने जो है रीजन कौन सा देखना है, कौन सा बाउंडेड रीजन है एक्स और इस कर्व के दरमियान, कौन सा रीजन बनता है, वो हम शेड करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि ये रीजन बनता है, एक तो यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और कर्व का की बाउंड्री ये है, इनके दरमियान कौन सा रीजन बाउंडर है, सामने नजर आ रहा है कि ये रीजन बनता है, ठीक है। उसके अलावा ये भी एक्स एक्सिस है और कर्व की बाउंड्री ये है, तो इसके दरमियान ये वाला रीजन बनता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आपको नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है, एक नेगेटिव साइड पे है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, हमने पहले भी बात की थी जब हमने एरिया अंडर द कर्व देखा था, ठीक है, उसका टॉपिक देखा था, उसमें हमने बात की थी कि जो पॉजिटिव होता है
एरिया या पॉजिटिव रीजन होता है उसके लिए हम इंटीग्रल को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, और फंक्शन को भी पॉजिटिव रखते हैं। लेकिन जब नेगेटिव एरिया होता है तो उसके लिए हम इंटीग्रल को नेगेटिव कर देते हैं, लिमिट्स तो हम वही रखेंगे लेकिन उसके यानी कि इंटीग्रल को नेगेटिव कर देते हैं। चले कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ से लिमिट्स देख लें कि लिमिट्स हम क्या रखेंगे। ये एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये नेगेटिव टू है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव टू है। उसके अलावा मतलब एरिया बाउंड हो रहा है माइनस टू से लेकर पॉजिटिव टू तक, लेकिन ये चेंज हो रहा है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है कहाँ पर जाके, जीरो पे। तो हम ऐसा करेंगे माइनस टू से लेकर जीरो तक हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, और जीरो से लेकर टू तक लेकर जाएंगे तो उसको नेगेटिव रखेंगे। फंक्शन हम यही यूज करेंगे कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसका हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो पहले माइनस टू से लेकर जीरो तक, उसके बाद नेगेटिव साइन, ठीक है, जीरो से लेकर पॉजिटिव टू तक, और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इसको मैंने नेगेटिव क्यों किया, यहाँ तो प्लस होना चाहिए ना, दोनों एरिया जो है वो सम होंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू सम होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से माइनस टू से लेकर पॉजिटिव टू तक एरिया जा रहा है। हमने इसलिए इसको नेगेटिव रखा क्योंकि इसका एरिया जो रीजन बन रहा है वो नेगेटिव साइड पर आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको नेगेटिव रखा है। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होगी कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, ठीक है, और जीरो से माइनस टू से लेकर जीरो तक, माइनस टू से लेकर जीरो तक, उसके बाद इसी तरह से, अच्छा साथ में डी एक्स भी लिख देते हैं क्योंकि हमने इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से जीरो से लेकर टू तक हो जाएगा और इसको भी आप मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यू माइनस फोर एक्स और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आगे आप इंटीग्रेट खुद कर सकते हैं, बस यहाँ तक हमने देखना था कि हम एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे अगर रीजन जो है बाउंडेड रीजन नेगेटिव साइड पर आ रहा हो। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है 3.7 को स्टार्ट करेंगे।